नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। साहेबगंज उपायुक्त हेमंत सती ने साहेबगंज सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं और चिकित्सा सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की गुणवत्ता को परखना और उनकी समस्याओं को समाधान करना था। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अस्पताल के कई महत्वपूर्ण हिस्सों का दौरा किया। उन्होंने ART सेंटर का निरीक्षण कर एड्स मरीजों के लिए दवाइयों का उपलब्धि की जाँच की और इस बात का विशेष ध्यान रखा कि मरीजों को कोई दिक्कत न हो। परीक्षण के दौरान ये पाया गया कि कई मरीज अब तक आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत नहीं हो पाए हैं। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक से अधिक मरीजों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने अस्पताल को विधि व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए। जो सदर हॉस्पिटल का मासिक भ्रमण कार्यक्रम का पार्ट है, यहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएँ आमजनों को दी जा रही है उसका निरीक्षण किया जाता है। आज भी एक भ्रमण के क्रम में एक बात जो समक्ष आई कि लोग OPD और IPD पेशेंट के रूप में भारी संख्या में सदर हॉस्पिटल में आ रहे हैं, लेकिन उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना। आयुष्मान का जो फैसिलिटेशन सेंटर है वो भी हम लोगों के यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो नॉन फंक्शनल प्रकृति का दिखा है। तो सबसे पहले सिविल सर्जन को और जो हमारे आयुष्मान मित्र हैं उनको निर्देश दिया गया कि वो प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करेंगे यदि योग्य है। उसके अलावा मेल वार्ड फीमेल वार्ड को भी पृथक करने का निर्देश दिया गया। एक डिमांड जो प्रसूति वार्ड की तरफ से आई वो ये डिमांड थी कि प्रसूति वार्ड में वो जो सी सेक्शन होता है उसके लिए मॉड्यूलर OT अगर बनाया जाए तो उसके लिए जो हमारे डॉक्टर्स हैं और GNM वगैरह हैं उनको हेल्प मिलेगी। तो इसके कंटेक्स्ट में सिविल सर्जन महोदय अपना पूरा एक एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे।